लेकिन हम साहब कांसी राम जी के कारवां में चलते थे, साहब कांसी राम जी जो बात को बताते थे, आज वही बहुजन कारवां में, वही बहुजन समाज पार्टी की बहुजन कारवां में राजनीति ग्रहण लगना चालू हो गया। बहन कुमारी मायावती को हम अपना नेतृत्वकर्ता मानते थे, हम अपना मसीहा मानते थे, लेकिन बहन मायावती ने उस मूवमेंट को खत्म करने का काम किया राजनीतिकरण करके। इस देश के अंदर में 1885 में यही ब्राह्मण ठाकुर बनियाओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया गया और 1893 में हिंदू महासभा का गठन किया गया। यही कांग्रेस के आधे लोग निकल करके हिंदू महासभा का गठन किए, अलग व्यक्ति कोई नहीं थे। कांग्रेस का निर्माण ब्राह्मण क्षत्र वैश्य के द्वारा किया गया, हिंदू महासभा उसका बेटा बना, हिंदू महासभा उसका बेटा बना और 1922 में उसका कांग्रेस का नाती का उत्पन्न हुआ, उसका नाम था भारतीय जनसंघ। दोस्तों उसके बाद में उसका पोता का जन्म हुआ, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैसे शासन करते आ रहे हैं, कभी बीजेपी के नाम पर, कभी जनसंघ के नाम पर, कभी हिंदू महासभा के नाम पर और कभी भारतीय कांग्रेस के नाम पर। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग इस बात को समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस को ब्राह्मण ठाकुर बनियाओं के द्वारा बनाया गया था अपने बच्चों के लिए, जो वृक्ष को बाबा साहब ने हम लोगों के लिए लगाया था कि मेरे बच्चे आकर के इस वृक्ष में जो फल फलेगा उसे खाएगा और तंदुरुस्त होगा। लेकिन उस वृक्ष को, उस संविधान को इस मनुवादियों ने छुपा करके रखा और हमें ओबीसी समाज के लोगों को रामायण गीता भागवत में उलझा करके रख दिया। 10 फरवरी 2019 को जब भारत बंद की आह्वान हुई ओबीसी महासभा के द्वारा, तो मैंने बहुत मेहनत करके इस प्रदेश के अंदर में 2-3 जिलाओं को बंद का जो है आह्वान किया था। उसके बाद आप लोग देखे हैं अभी 27% आरक्षण भूपेश बघेल के द्वारा की गई असंवैधानिक ढंग से। किसी भी जो है सरकार को अगर संवैधानिक दायरा में के आ करके अगर 340 को लागू करता तो कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया की हिम्मत नहीं होती कि वो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता था। अगर कांग्रेस की नियत अगर सही रही तो 1950 से लेकर के अब तक क्या किया, ओबीसी का आरक्षण क्यों लागू नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध करता है, एससी एसटी ओबीसी के साथ में आपस में लड़वाता है कि ओबीसी के लोगों को बोलता है कि देखो भाई एससी एसटी के रिजर्वेशन के वजह से आप ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए आप आरक्षण का विरोध करो। हमारे ओबीसी के लोग विरोध करना चालू किए, 27% आरक्षण की जैसे घोषणा हुई, क्या कोई मुस्लिम समाज ने, क्या कोई ईसाई समाज ने, क्या कोई बौद्ध समाज ने, क्या अनुसूचित जाति समाज ने या आदिवासी समाज ने पिछड़ी जाति समाज का आरक्षण का विरोध किया। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर इस प्रदेश के अंदर में 27% आरक्षण का विरोध किया तो ब्राह्मण ठाकुर और बनिया हैं। तो मेरे पिछड़ी जाति के समाज के लोगों, आपको सबसे पहले अपने दोस्त और अपने दुश्मन का परख जानना होगा। हमको दोस्त और दुश्मन को पहचानना होगा। दोस्तों हम यदि कांग्रेस की तरफ अगर रिजर्वेशन की बात अगर करें तो कांग्रेस की तरफ अगर जाते हैं कि कांग्रेस की जो है भूपेश बघेल सरकार ने 27% आरक्षण हमें दिया, ये मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की एक साजिश है कि हम पिछड़ी जाति को 27% की घोषणा जो करते हैं तो पिछड़ी जाति का वोट बैंक हमारे साथ आ जाएगा। मेरे ख्याल से भूल होगी। दूसरी चीज साथियों,
समय बहुत कम है, यहाँ पर बड़े बड़े वक्ताएं बैठे हुए हैं, देश को नेतृत्व दिखाने वाले लोग बैठे हैं, देश को एक नई दिशा देने वाले लोग बैठे हैं। आज सोशल मीडिया की युग है, आज सोशल मीडिया की युग है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज को जानने वाले लोग होते गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हम प्रिंट मीडिया में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं, तो आज तक कभी भी भारतीय संविधान की एक कॉलम को नहीं बताता है। जब हम सोशल मीडिया की ओर जाते हैं तो फूले साहू महाराज को जानने वाले समाज बनना चालू हो जाता है। जब फूले साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर को जानने वाला यह समाज बनता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी भी सरकार, किसी भी, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, बहुमत की सरकार तो बन ही नहीं सकती। कांग्रेस बीजेपी की बहुमत की सरकार तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो महात्मा फुले को मानने वाले हैं, जो साहू महाराज को मानने वाले हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, वो कदापि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। परंतु इसका वोट जाता कहाँ है? वोट तो नहीं करता परंतु जाता कहाँ है? क्योंकि दोस्तों, जब से ईवीएम मशीन आई है, जब से ईवीएम मशीन आई है, एक छत्र राज करते आया है कांग्रेस या कभी भाजपा। लेकिन हम साहब कांशीराम जी के कारवां में चलते थे, साहब कांशीराम जी जो बात को बताते थे, आज वही बहुजन कारवां में, वही बहुजन समाज पार्टी की बहुजन कारवां में राजनीति ग्रहण लगना चालू हो गया। बहन कुमारी मायावती को हम अपना नेतृत्वकर्ता मानते थे, हम अपना मसीहा मानते थे, लेकिन बहन मायावती ने उस मूवमेंट को खत्म करने का काम किया राजनीतिकरण करके। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, परंतु बहन मायावती ने संविधान में 340 जो व्यवस्था है उसे लागू करने का काम नहीं किया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी ब्राह्मण ठाकुर बनिया हो गए। यह जो बहुजन समाज की जो कारवा थी वह सर्व समाज की हो गई। तो दोस्तों, यह सब दुखद विषय है, और अभी जो है समय बहुत नाजुक है, क्योंकि आज संविधान खतरे में है, और ईवीएम से सरकार बनती है, ना कि जनमत से। दोस्तों, इसलिए हमें हर हाल में ईवीएम को हटाने में माननीय वामन मिश्राम जी का साथ देना होगा। और मेरे ख्याल से मैं जहां तक अध्ययन करता हूं, ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ राज्य इकाई, कमलेश साहू, वामन मिश्राम जी का यह आंदोलन है ईवीएम भंडाफोड़ में 100% अपना समर्थन देता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।